किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज की फसल में पीलापन, फंगस, थ्रिप्स, झुलसा रोग और जलेबी रोग को नियंत्रित किस प्रकार किया जाता है तथा इसके फैलने का मुख्य कारण क्या है। सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्याज की फसल में पीलापन आने का कारण। तो आपको बता दें कि प्याज की फसल में पीलापन आने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। या तो आपकी प्याज की फसल में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो, उस वजह से आपकी फसल में पीलापन आएगा, या किसी बीमारी या वायरस के आपके फसल पर अटैक करने से पीलापन आ सकता है। इसको कैसे पता करें कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से पीलापन आ रहा है या कोई वायरस ने अटैक कर दिया है? इसलिए आपको अपने खेत के कोने में जाकर देखना है कि आपके पूरे खेत में यदि पीलापन दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना कि उसमें किसी न्यूट्रिशन की कमी है, जिस वजह से पूरे खेत में प्याज की फसल में पीलापन आ गया है। और यदि कहीं एक तरफ से पीले पड़ने शुरू हो रहे हैं प्याज, तो उसमें किसी बीमारी या वायरस का अटैक है। और पीलापन आने का एक कारण थ्रिप्स भी हो सकती है, क्योंकि यदि आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स अधिक हो जाएगी तो वह क्लोरोफिल, जो प्याज के पत्तों में जो रस होता है, जिसे जो क्लोरोफिल होता है, उसे वह चूसती है, जिस वजह से उसकी कमी होने के कारण पत्ते ऊपर से पीले होते होते पूरा हो जाता है और उसमें पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। इसको आप समय रहते कंट्रोल नहीं करते हो तो ये आप प्याज की फसल में अधिक मात्रा में फैल जाती है, जिससे अपनी प्याज की फसल में अन्य दूसरे रोग देखने को मिलते हैं। जैसे अपनी प्याज की पत्तियों मुड़ती हुई दिखाई देने लगती है, जिसे हम जलेबी रोग कहते हैं। और अब बात कर लेते हैं प्याज में लगने वाले रोग फंगस के बारे में। इसके फैलने का मुख्य कारण है कि बात करें तो इस बीमारी का कारण अल्टरनोरिया पोरी नामक एक कवक होता है। यह रोग प्याज की पत्तियों तनों पर लगती है। रोग ग्रस्त भाग पर सफ़ेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिसके बीच का भाग बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। अगर आप इन सभी रोगों को समय रहते कंट्रोल नहीं करते हो तो अपने प्याज के उत्पादन पर काफ़ी कमी देखने को मिलती है। अब इन रोगों के रोकथाम की दवा के बारे में बात करें तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम फंगस, जलेबी रोग और पीलापन की दवा के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको सुमिटोमो कंपनी का हारो आता है और एक एक्सेल कंपनी का स्वाधीन भी आता है और मार्केट में कई नाम से ये दवा आती है। इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसमें टेबुकनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्मूलेशन में मिलता है। इसकी खास बात है कि यह सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और इसके अंदर जो सल्फर की मात्रा है, जो फंगस के साथ साथ कीटनाशक, पाउडरी मिल्ड्यूज और खाद का भी कार्य करता है, यानी कि यह एक टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है। और अब इसकी मात्रा की बात करें तो इसको आप 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 400 से 500 ग्राम का प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक का भी प्रयोग करना है, जिससे फसल में जो भी पहले नुकसान हुआ है उसे रिकवर करेगा और पौधे में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। यह आप धनुका कंपनी का कासू भी आता है, जिसमें केमिकल कासुगामसिन 3% एसएल फॉर्मूलेशन में है। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से अपनी प्याज की फसल में दूसरी बीमारियां, फंगस भी आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अब इसकी मात्रा की बात करें डोज की, तो इसको आप 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 330 ml का प्रयोग करना है। एक अच्छे चिपको के साथ दोनों को मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हम प्याज की फसल में थ्रिप्स के बारे में। तो थ्रिप्स की दवा के बारे में, प्याज की फसल में थ्रिप्स आना एक आम बात है। इसके लिए आपको 8 से 10 दिन में थ्रिप्स का स्प्रे करना होता है। हर बार आपको एक ही तरह की दवा का प्रयोग नहीं करना है, केमिकल बदल बदल कर दवा का प्रयोग करना है। बात कर लेते हैं थ्रिप्स की दवाई की, तो आपको सेजेंडा कंपनी की लेमड़ा साइलोथिन लेना है 2.5% इसी, और इसके साथ आपको एक एसीपेट लेना है 75 SP वाला, और इसके साथ इमिडा क्लोरोबिट 17.8% SL फॉर्मूलेशन में आती है, इनको लेना है। और अब इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में आपको
250 ग्राम एसीपेट लेना है, 250 ग्राम, और इसके साथ इमिडा क्लोरोपीट 17.8% एसएल फॉर्मुलेशन में आती है, इसको आप 100 ml लेना है, और लेमड़ा साइलोथिन 2.5% इसी वाले को आप 500 ml लेना है, और तीनों का अच्छे से घोल बनाकर अपने 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर देना है 200 लीटर पानी में। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।